डोमिसाइल। आमिर सुबहानी बिहार के मुख्य सचिव का आया है बड़ा बयान। संवैधानिक अनुच्छेदों का हवाला दे रहे हैं बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी। सरकार की ये दोगली नीति है कि एक तरफ एसटीईटी नोटिफिकेशन का पालन नहीं हुआ, संवैधानिक अनुच्छेदों का उल्लंघन हुआ, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उसमें बदलाव हुए, इस पर चुप्पी है सरकार की, पर डोमिसाइल मुद्दे पर बयान जारी होते हैं। बिहार सरकार ने नियमावली में संशोधन किया है और किसी भी उम्मीदवार को जो शिक्षक के रूप में बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित होना चाहता है, उस उम्मीदवार के बिहार राज्य का अस्थायी निवासी होने की शर्त को हटाया गया है। ये शर्त नहीं रहेगी कि बिहार राज्य के अस्थायी निवासी ही बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, ये शर्त हटाई गई है। तो ये शर्त क्यों हटाई गई है? इस शर्त को नहीं रखा जा सकता है, रखना व्यवहारिक नहीं है, विधि सम्मत भी नहीं है, कानूनन संभव नहीं है ये शर्त रखना। ये बात समझाने के लिए, बताने के लिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। और इसमें सबसे पहले ये समझने की बात है कि भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16 बिल्कुल स्पष्ट है। आर्टिकल 16 का सब आर्टिकल 2, सब क्लॉज 2, वो ये कहता है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भाव, जन्म स्थान, निवास, ध्यान देंगे, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 ये कहता है कि जन्म स्थान और निवास के आधार पर आप किसी उम्मीदवार को अपात्र नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि किसी राज्य से बाहर अगर किसी का जन्म स्थान या निवास है तो वो इस चयन प्रक्रिया में पात्र होने के लिए अपात्र है, अयोग्य है, ये नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसी कोई प्रक्रिया चलेगी तो वो गैर कानूनी भी होगी और असंवैधानिक भी होगी। इसलिए ये संविधान के अंतर्गत कानूनी बाध्यता है कि निवास के आधार पर किसी को अयोग्य न किया जाए, पूरे देश के लोग इस परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र हों, चयन तो मेरिट के आधार पर होना है। अब ये हम देखेंगे कि इसके पहले क्या होता रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग के स्तर पर पहले भी 3 बार परीक्षाएं ली गई हैं शिक्षक की नियुक्ति के लिए, वर्ष 1994 में, फिर वर्ष 1999 में और वर्ष 2000 में बिहार लोक सेवा आयोग ने इसी पद के लिए, शिक्षक के लिए परीक्षा ली थी। और तब भी यही नियम था उस परीक्षाओं में भी कि देश के किसी भी भाग का नागरिक परीक्षा में भाग ले सकता है और चयनित हो सकता है, और इसके आलोक में ही पहले चयन हुआ है। ये जो नियमावली थी जिसके आधार पर 1994, 1999 और सन 2000 में परीक्षाएं हुई, ये नियमावली उसके पूर्व 1991 में ही बनी थी, उसमें स्थानीय निवासी का प्रावधान नहीं था। और इस कारण से इस बार भी जो बिहार लोक सेवा आयोग से परीक्षा होगी उसमें बिहार का निवासी होने का प्रावधान नहीं रखा जा सकता है। इससे पहले, इसके बाद जो वर्ष 2012 की नियमावली बनी थी उसमें भी जब चयन हुआ, हालांकि उसमें स्थानीय निवासी होने का प्रावधान नहीं था, लेकिन उसके बाद भी चयन हुआ तो 168,000 रिक्ति के विरुद्ध जो नियुक्ति हुई तो राज्य के बाहर के मात्र 3,413 अभ्यर्थी चयनित हुए, यानी 168,000 में सिर्फ 3,000 से कुछ अधिक राज्य से बाहर के थे और बाकी सभी जो थे वो राज्य के अंदर के थे। तो इससे ये पता चला कि अगर ये नियम रखा भी जाता है कि राज्य से बाहर के अभ्यर्थी पात्र होंगे तो उनकी किसी भी संख्या में, अधिक संख्या में, या जिसको अंग्रेजी में सिग्निफिकेंट नंबर कहते हैं, किसी विशेष संख्या में चयनित होने की संभावना बहुत कम है। ये बात भी शिक्षा विभाग ने पता कर ली है। अन्य राज्यों में, पड़ोसी राज्य सहित,
उत्तर प्रदेश सहित किसी भी राज्य में अभी तक ऐसे किसी नियम की जानकारी नहीं मिली है जिसमें उसी राज्य के व्यक्ति पात्र हों, दूसरे राज्य के पात्र नहीं हों। ऐसी बात नहीं है। इस नियम के अंतर्गत बिहार के भी जो निवासी हैं वो उन राज्यों में पात्र हैं, अन्य राज्यों के निवासी भी उन राज्यों में पात्र हैं। अन्य राज्यों में भी यही स्थिति है कि स्थानीय राज्य का निवासी होने की शर्त नहीं है। इसके अलावा ये बात भी विचारणीय है कि 50% रिक्तियां आरक्षित रहती हैं। आरक्षण का नियम स्पष्ट है, जो आरक्षण का अधिनियम बिहार में है सभी सेवाओं में लागू है कि आरक्षण का लाभ, आरक्षण के आधार पर चयनित होने का लाभ केवल और केवल राज्य के अंदर के निवासी को ही मिलता है। ये आरक्षण का नियम है, ये शिक्षक नियमावली में नहीं है, ध्यान देंगे। तो ऐसे भी चूंकि आरक्षण में ये नियम है और इस बार भी लागू होगा कि बिहार राज्य के अंदर के जो लोग हैं उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा, तो 50% रिक्तियों पर तो आरक्षण के कारण बिहार के ही लोग चयनित होंगे। और बाकी पर जैसा मैंने बताया पिछली बार का भी अनुभव है कि बहुत ही नाम मात्र को ही बाहर के लोग चयनित होते हैं, स्थानीय निवासियों को कोई उससे विशेष घाटा या नुकसान नहीं होता है। और अंत में ये बात समझने की है कि जिस तरह हम लोगों ने ओपन किया है कि देश का कोई भी नागरिक यहाँ अप्लाई कर सकता है, यही दूसरे राज्यों में भी है। तो अगर विभिन्न राज्य इस तरह के नियम बनाने लगेंगे, हालांकि वो विधि सम्मत नहीं होगा, लेकिन अगर बनाने लगेंगे कि उसी राज्य के लोग अप्लाई करें, तो जाहिर है बिहार के भी जो युवक हैं, युवतियां हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो दूसरे राज्यों में नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चयनित हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके भी अवसर समाप्त हो जाएंगे। तो इसमें तो बिहार का भी घाटा है। अगर देखा देखी सभी राज्यों ने यह करना शुरू किया तो अवसर कम हो जाएंगे बिहार के अभ्यर्थियों के लिए भी। तो कुल मिला के ये किसी के हित में भी नहीं होगा। और ये सरकार ने सभी विधिक पहलुओं की जांच करके, कानूनी पहलू को समझ के, बहुत सोच विचार करके ये नियम बनाया है कि बिहार राज्य सहित पूरे देश के लोग अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि संभावना यही है कि अधिकांश या लगभग सभी बिहार राज्य के ही अभ्यर्थी होंगे और चयनित भी वही होंगे। अगर बाहर के होते हैं तो संभावना है कि बहुत कम संख्या में नाम मात्र को ही चयनित होंगे, और उससे बिहार के वासियों के हित पर कोई भी कमी नहीं आएगी, कोई क्षति नहीं होगी। और ऐसे तो आप समझ ही सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से मेरिट के आधार पर अच्छे शिक्षकों का चयन होगा, जिससे राज्य की शिक्षा व्यवस्था पहले से भी और बेहतर हो जाएगी। और इसी परिणाम की ओर राज्य सरकार अग्रसर है और बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से यह चयन होने जा रहा है। तो इन्हीं बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए मैंने आप सबको बुलाया है, और उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बात को आपके सामने स्पष्ट रूप से रखने के लिए सफल रहा हूँ। धन्यवाद। सर अभी सबसे अच्छा बिक्री किस किताब का है बीपीएससी शिक्षक बहाली? बीपीएससी शिक्षक में सबसे अच्छी किताब चल रही है किरण पब्लिकेशन की। अच्छा, इसमें आपको 1-5 का जीएस प्रैक्टिस है जी, भाषा है और अपर एजुकेशन के लिए भी इसमें दिया हुआ है हर एक सब्जेक्ट का, जैसे ये विज्ञान का हो गया जी, जी। सामाजिक विज्ञान का ये हो गया, गणित का है और हिंदी का है, मतलब कि एक सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट ये छाट के बनाया हुआ है। बहुत अच्छा किताब इनका ये पूरा है। और सबसे अधिक ये जितने भी मुजफ्फरपुर के जितना भी कोचिंग संस्थान है जी, सब में ये लगा हुआ है। एक काफी अच्छी बुक इनकी है ना, काफी अच्छी बुक है और डिस्काउंट सलाह भी हम लोग काफी अच्छा इस बार दे रहे हैं अभी विद्यार्थियों को लाभ के लिए। क्या नाम हुआ सर अपना? मेरा सुनील शर्मा, पुस्तक भंडार से जी, जी दीपक मार्केट में जी, मुजफ्फरपुर जी, मुजफ्फरपुर में।